वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव के बारे में। तो काफ़ी सारे जो अपडेट्स लगे हैं मेरे हाथ, तो आज मैं आपके सामने उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, तो अभी तक ये मूवी थिएटर्स में चल रही है और पिछले जो दो दिन से इस मूवी की जो कलेक्शन के बीच गिरावट आई है ना, 50% 60% के करीब गिरावट आ चुकी है। एक स्टेटमेंट निकल के आ रही थी अयान मुखर्जी की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एक सवाल पूछा गया कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू जो देव है उसको रिलीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम आपने ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा बनाने में टाइम लगाया, इतना तो नहीं टाइम लगाएंगे पार्ट टू बनाने में। तो अयान मुखर्जी की ये स्टेटमेंट निकल के आई थी कि ब्रह्मास्त्र मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें 70% जो VFX यूज हुए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा और फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे थे इस टाइप की मूवी में, तो इसी कारण हमें टाइम लग गया इस मूवी को बनाने में। और एक बात और उन्होंने कही कि जो इसका जो पार्ट टू है देव, वो जो मूवी है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 या 3 साल में हम बड़े पर्दे पे लेके आए। एक बात और ही बोली कि तो जो पार्ट वन था उसका टाइम हमें क्यों लगा ज़्यादा बनाने में, वो ऐसी कोई मूवी पहले बॉलीवुड में नहीं बनी थी। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जिसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और इसी के कारण उन्होंने बोला कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और बीच में कोरोना भी आ गया। अगर कोरोना नहीं आता तो ये फिल्म 1-2 साल पहले थिएटर्स में रिलीज हो जाती। एक बात उन्होंने एक और भी कही कि कुछ कुछ जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कि ये मूवी काफ़ी लंबी है, ना ही इसमें इतने ज़्यादा एक्शन यूज हुआ है। तो उन्होंने इस पर भी एक बात बोली कि इस मूवी को फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, तो इसी की वजह से आपको एक्शन कम देखने को मिला। एक बात उन्होंने और कही कि जो ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव है फैंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश करेगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। और 2-3 जो सरप्राइजेस रखे हुए हैं हमने वो भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। उनको एक सवाल और पूछा गया कि जो देव का करेक्टर है वो कौन अदा कर रहा है, तो अयान मुखर्जी हंसते हुए बोले कि भाई अगर मैंने बता दिया तो इस मूवी की जो हाइप है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इस पॉइंट को उन्होंने इग्नोर भी मारा। तो अयान मुखर्जी ने एक बात और बोली कि जो पार्ट टू देव है ये जो मतलब पूरा का पूरा आपको ये वाला पार्ट एक्शन वाला दिखेगा और लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे। जो VFX यूज हुए हैं पार्ट टू में इससे भी ज़्यादा आपको VFX देखने में मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। आगे हम बात करते हैं इसकी रिलीज़ को लेके कि पार्ट टू रिलीज़ कब होगा, इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो उसी के बारे में अयान मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट और दी कि जो पार्ट टू है ये हम ना ही करेंगे 2023 में और ना ही 24 में, ये हम बड़े पर्दे पे लेके आएंगे 2025 में। तो 2 साल का इन्होंने इस मूवी के बाद गैप डाला और तीसरे साल में हमें ये ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव देखने को मिलेगी, वो भी दिसंबर के महीने में। दिसंबर के फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इस मूवी की रिलीज डेट आपको देखने को मिलेगी। और भाई यही थी स्टेटमेंट जो अयान मुखर्जी ने रिवील की। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।